भाई बाबा भाई कमाल कर दिया आशिक साहब ने, क्या कमाल के शेर कहे आप। ये शेर पर नहीं कुत्तों पर नजम थी। अच्छा जी इरशाद एक और मुलायजा कीजिए। ये तो एक ही गुफ्तगु हुई थी, सुनिए तो सही। मिस गौरी की फरमाइश। आदाब। एक और मेरी ना होने वाली महबूबा एक न्यूज चैनल से वाबस्ता है। यानी ये आपकी दो नंबर दो चीजें हैं। तो उनकी शान में मैंने कसीदा कहा है, जरा सुनिए। न्यूज चैनल ये खबरें सुनाती है रानी। रानी सब कहते हैं उसको झूठों की नानी। उम्र रसीदा होंगी वो? अरे नहीं, उम्र तो कम है, कमर ज्यादा है। आगे सुनिए। सुनाती है घड़ घड़ के किस्से कहानी। सुनाती है घड़ घड़ के किस्से कहानी। नहीं झूठ का उसके दुनिया में सानी। सीधी बोल दो, झूठी है झूठी। और सुनिए, और खबरें किस तरह की होती हैं ये जरा सुनिए। हर चीज की कीमत की है परवाज फलक पर। हर चीज की कीमत की है परवाज फलक पर। ये अपनी तरक्की की है अदना निशानी। दो चार मर गए कहीं, दो चार हैं घायल। दो चार मर गए कहीं, दो चार हैं घायल। गोली की जबानी ये कराची की कहानी। शाहरुख है या सलमान है या आमिर है टॉप पर। शाहरुख है, सलमान है या आमिर है टॉप पर। है टॉप पे ये गाना शीला की जवानी। अपने आशिक साहब अपने जज्बात को जरा कंट्रोल में रखिए। बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, अच्छा कह रहे थे शीला की जवानी, जरा आगे भी हो जाए शीला की जवानी। जरा डॉक्टर साहब हल्का हाथ रखिए। शीला की जवानी जख्मी की हैवानी दे। भाई ये थे जख्मी कानपुरी साहब। जी जी, आशिक जख्मी कानपुरी साहब। और क्या शीला की जवानी को अपने कलाम में घुसेड़ा है। वाह जी वाह। भाई इनके बाद, जी हाँ इनके बाद मैं चाहता हूं कि मैं दावत एक कलाम दूं उनको। भाई वो जो बुजुर्गवार हैं, भाई वो जो बुजुर्गवार हैं गालिबन हमारे दरमियान हैं। जी जी, और इनकी जो खूबी है वो ये है कि इन्होंने गालिब की जमीन पर कब्जा करके अपने मकानात तामीर कर रखे। बल्कि ये तो उन मकानात को ढाकर प्लाजे बनाने के चक्कर में। तो भाई इनकी कारगुजारी हम इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो पेश खिदमत है जनाब मिर्जा गालिबन बुजुर्गवार साहेब। हाँ तो बल्कि हुक्म किया है मैंने है? जो कुछ करना कर लो है? हुक्म किया है। अच्छी बात है। और किसी को जोर से आया तो वो फौरन कर ले। अर्ज किया है। वाह वाह जी जी, बहरहाल अर्ज किया है। जी जी, इरशाद इरशाद। ये धुआ कहाँ से उठता है? कहाँ से जा भाई, देख करा कहाँ से उठ रहा है ये धुआ, कहाँ से उठता है? कहाँ से उठता है भाई? ये धुआं तो बहुत असर अंदाज हो गया भाई। क्या बात है, धुआं कहां से उठता है? ये धुआं कहां से उठता है और मसला हर फसाद का अक्सर, और मसला हर फसाद का अक्सर सिर्फ मुन्ने की माँ से उठता है। सिर्फ मुन्ने की माँ से उठता है। अपने घर का भी जिक्र कर दिया इन्होंने। क्या फरमाया? मुन्ने की माँ से उठता है, मुन्ने की माँ से उठता है। मैंने अपने घर का जिक्र भी फरमाया। जी जी, ठीक कह रहे मामू जान। वाजी वाह। आजकल मुल्क में जो दहशतगर्दी हो रही है, बहुत हो रही है भाई। दहशतगर्दी आजकल जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, ये फितना हिंदुस्तान से उठता है। संभाले 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 गाली भाई, गाली भाई। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वाह, आपकी इज्जत
ये दौरा खत्म हो गया भाई जान। आगे कहता है, चलो ठीक है, आगे कहता है, वो बड़ा हाथ गैर का होशियार, वो बड़ा हाथ गैर का होशियार माल तेरी दुकान से उठता है। माल तेरी दुकान से उठता है। क्या चोरी है? दुकान चेक कर ले, माल उठ गया। अब सुनो, सुनाओ जी जी, अब सुनो, सुनाओ। लिखा है असेंबली हॉल में सारे फड्डेबाज है। वाह क्या सच्ची बात है जी। वाह तो हॉल असेंबली हॉल में सारे फड्डेबाज हैं, यानी के असेंबली हॉल में सारे फड्डेबाज हैं, एक यहाँ से एक वहां से उठता है। वाह वाह किताबें फेंक के जो कलेक्शन को थामी। क्या बात है, बहुत जी बहुत। किताबें फेंक कर कलेक्शन को थामी। वाह वाह वाह, ये शहर नौजवानों से नौजवानों भैया वाह। हमारे आगे कहता है, क्या कहता है पता नहीं। इरशाद इरशाद, यारो दिल भर गया मेरा हसीनों से। हैं? यारो मेरा दिल भर गया है हसीनों से। वावा क्या तजाद है। रकीब हर जगह से उठता है। रकीब हर जगह से उठता है। मनफी सोच है लेकिन वाह। तो मुलाजा फरमाइए जी जी। अपना ये मेरी दीवार के पीछे क्या चरसी बैठा है? पता नहीं भाई। क्या मेरी दीवार के पीछे चरसी बैठा है? अच्छी बात। ये धुआं कहां से? भाई वाह, ये धुआं सा कहां से उठता है? बूझो तो जाने। क्या कहने अच्छी बात है। अर्ज ये है जी कि एक और चलते चलते नजम में सुना दूं आप। इरशाद हो जाए। गालिबन क्या कहा आपने? गालिबन साहब, इरशाद बोले। इरशाद आपका जिक्र नहीं है, इरशाद साहब का जिक्र हो रहा है जी जी। रोज अर्ज किया है। वाह आज कर डाला मैंने। वाह भाई वाह, आज कर दूं। क्या बात है, कल मौका मिले ना मिले। भाई वाह, ये कहना तो अहले कराची का है। भाई वाह क्या सोच, अच्छी बात तो आज की है। वाह वाह, तजुर्बे अपने मुंह पे यूं न कर बेगम। तजुर्बे अपने मुंह पे यूं न कर बेगम। भाई वाह, क्यों ब्यूटी पार्लर नहीं जाती? क्यों ब्यूटी पार्लर नहीं जाती? भाई वाह, अच्छी बात। आगे कहता है, कैसा सुरमा लगाया तूने? कैसा सुरमा लगाया तूने? कैसा सुरमा लगाया तूने? भाई कैसा सुरमा लगाया तूने? कोई सूरत नजर नहीं आती। कैसा सुरमा लगाया तूने? कोई सूरत नजर नहीं आती। बाबा क्या हुआ? भाई वहाँ सुरमा लगाने में कुछ कोताही हुई है, इसलिए जरा गुरेज करें जी जी। आगे कहता है रात को छत पे मिलने का वादा करती है। वाह सादगी है। अब देखो बेगम होते हुए रात को छत पे मिलने का वादा करती है। तुम भी सबक ले लो रात को छत पे मिलने का वादा करती है। वाह जी वाह,
मगर अब्बा के डर से नहीं आती। अब्बा के डर से नजर नहीं आती। क्या बात है? मगर अब्बा के डर से नहीं आती। नहीं आती, अच्छी बात है। क्यों नहीं भेजते आप? क्यों नहीं भेजते जी? कुछ सुसर है। वो खामखा रात को टहलते हैं। वो खामखा रात को टहलते, वो रात को खामखा ही टहलते हैं। नींद क्यों रात भर नहीं आती? भाई नींद का इससे अच्छा इस्तेमाल नहीं देखा। रात भर टहलते हैं, नींद क्यों रात भर नहीं आती? नींद क्यों रात भर नहीं आती? बड़े जोर से धारा है मेरी बेगम ने। बड़े जोर से धारा है मेरी बेगम ने। बिल्कुल हर वक्त ही मुझ पे रौब जमाती। हर वक्त मुझ पे रौब जमाती। क्या सैंडल घुमाकर मारूं क्या? ये क्या बदतमीजी है? ये क्या बदतमीजी है? क्या सैंडल घुमाकर मारूं क्या? मेरी आवाज अगर नहीं आती। भाई वाह, ये तो घरेलू मसाइल बजवाने शायर है। जी जी, वाह 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 जी वाह। आगे कहता है हमारी दिलरुबा दूजे गांव में। भाई वाह भाई वाह, खुशी का आलम। हमारी दिलरुबा है दूजे गांव में। हमारी 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 हमारी, हम सब कह तो दिया सलमागा वाली हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी दिलरुबा है दूजे गांव में। दूजे गांव हमसे पूरी पटाई नहीं। हमें बताओ, हमें इस काम का तजर्बा है। जो फेल हो गया। आगे कहता है फौरन दो चार घेर लेती है वो। दो चार फौरन दो चार घेर लेती है। फौरन दो चार घेर लेती है जब हमारी खबर नहीं आती। मैंने तो अर्ज किया, हमें बताइए, हमें इस काम का तजर्बा है। हमने कहा फेल हो गए हैं आप। भाई क्या कहने मिर्जा गालिब। भाई वाह, भाई वाह। अब इससे ज्यादा बेहूदगी हो नहीं सकती मुझसे। नहीं नहीं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। ये थे मिर्जा गालिबन जो अपना ताजा तरीन कलाम हम सबके गोश गुजार कर रहे थे। हमें इस बात की तवक्को है कि आप भी इससे लुत्फ अंदोज हुए होंगे। तो हम चाहते हैं कि इन लतीफ सातों को मजीद वसी करें, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले एक छोटा सा वक्फा हम लिए लेते हैं। वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। वक्फा बहुत जरूरी है। वक्फा है जनाब। अरे गालिबन साहब, भैया वक्फे का, आइए, ये वक्फे का ऐसा इस्तेमाल। वाह वाह गालिबन साहब, गौरी साहिबा।